Very good morning, most welcome my friend. Today we are going to start a staining process in our video gram staining and fungal staining. Before we are going to start, सभी मेरे subscriber and viewers को happy holi, बहुत ही तहे दिल से stay safe and healthy with family and yourself, take care. अब आते हैं अपने स्टेनिंग प्रोसेस में, क्योंकि हम बहुत सारे माइक्रोब्स को एनालिसिस लैब में करते हैं. वो सैंपल्स कहीं से भी लाए जा सकते हैं, वाटर से, सोयल से, फूड से, या हम किसी इन्फेक्शियस एजेंट से ला सकते हैं, जाकर एयर से भी हम सैंपल्स ले सकते हैं. और इनको हम डिफरेंट कल्चर मीडियाज में ग्रो करते हैं. सिंपल कल्चर मीडिया हो सकता है जिसमें न्यूट्रिएंट अगार आता है, सेलेक्टिव में हमारा मैकॉन्की अगार आता है, सिंपल में एक फंगस के ग्रोथ करने के लिए पोटैटो डेस्ट्रोस अगार या पीडीएज आता है. इनमें जब कॉलोनी ग्रो कर जाती है तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोस्कोप में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक प्रोसेस होता है स्टेनिंग प्रोसेस. वो डिपेंड करता है उनके शेप एंड साइज पे, उनके मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है. जाकर उसको भी आइडेंटिफाई करने के लेमिनार एयर फ्लो को यूज करती हैं, वहाँ पे प्रॉपरली क्लीन करते हैं. और स्टेनिंग प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनसे सबसे पहले हमारे पास एक लूप की जरूरत होती है. प्लेटिनम वायर भी हो सकता है या हमारे पास नॉर्मल वायर हो सकता है, जाकर उस चीज़ को एयरन कर. फिर एक वाटर मालिक वाटर्स की जरूरत होती है जाकर, और हमारे पास बर्नर की जरूरत होती है. लूप को अच्छे से हमें बर्नर में रेड हॉट करना है. फिर जो कॉलोनी पर कल्चर आया है उसको हम अच्छे से स्प्रेड करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर इन आवर स्लाइड में. और जो जितना थिन सेक्शन आप उसको स्प्रेड करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्लाइड बनेगी. दिस इज द वन ऑफ द मेजर पॉइंट होना चाहिए. अब हम ग्राम स्टेनिंग की बात करें जाकर, ग्राम स्टेनिंग में चार प्रकार के केमिकल यूज करे जाते हैं. क्रिस्टल वायलेट, इसका टाइम मान के चलो 30 से 1 मिनट के लिए यूज करते हैं, 30 सेकेंड के लिए यूज किया जाता है जाकर, और या 1 मिनट के बीच इन बिटवीन. फिर हमारे आयोडीन्स यूज करते हैं. इन आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट के बीच में अच्छे से उसको वॉश भी करना है वाटर को, वाटर से. फिर हम आयोडीन यूज करेंगे जिसकी टाइम मान के चलना चाहिए फिक्सली 30 सेकेंड होती, कम भी कर सकते हैं, डिपेंड अपन आप उसको अपने स्टैंडर्ड में लाइए इस चीज़ को. फिर वॉशिंग करेंगे, फिर 70% इथेनॉल में जाएंगे, उसका भी टाइम ड्यूरेशन मान के चलो 10 सेकेंड के आसपास ही रखना, ज़्यादा मत रखना वरना बहुत ही क्लीन कर देगा और स्ट्रक्चर को डिफरेंट कर देगा जाकर. उसके बाद फिर वॉशिंग करेंगे, देन गो फॉर द सेपरिन जो अराउंड 30 से 1 मिनट के बीच में फिक्स करते हैं, और वॉशिंग फिर देन यू ड्राई करते हैं एंड गो फॉर द विद द हेल्प ऑफ कवर स्लिप या कोई सीड और ऑयल्स द्वारा हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं. इसी प्रकार से फंगस के आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोडक्टोज अगार प्लेट से कल्चर लेते हैं, और लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू के अगर स्टेन और वॉशिंग, देन गो फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉर द फंगस किस टाइप का है जाकर अंडर माइक्रोस्कोप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. अगर आपको इस तरह के वीडियोज और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल डेफिनेटली मेक मैन अदर.